हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हैं अंकिता और आज का वीडियो काफी स्पेशल है हमारे लिए। टाइटल से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, तो क्योंकि नई नई एंगेजमेंट हुई है, अब शादी होने वाली है, तो आपको एक ना वो अंदर में एक एक्साइटमेंट रहता है, दिल में एक एक्साइटमेंट रहता है कि शादी के बाद आपको कैसे सजना संवरना है। इन लॉज के यहाँ पे सब घर के बहू को आते देखने के लिए कि भाई कैसे दिख रही है, क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मी इस सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन आपको शादी के 4-5 महीने पहले 6 महीने पहले आपको कर लेनी चाहिए। सो हेयर आई एम शेयरिंग अ लिस्ट जो अभी हमारे पास में है, कॉस्मेटिक किट, मेकअप किट बेसिकली, जो आप डे टू डे बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। एंड हम आपको एक दिन इसका अच्छे से मेकअप वगैरह करके भी दिखाएंगे, बट नाउ आई एम शेयरिंग द किट आई हैव। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करना है, अपने स्किन को नरिश करना होता है। तभी जाके अगर आपका स्किन अच्छा है तो ही जाके आपकी स्किन पे मेकअप अच्छा दिखेगा। अगर स्किन अच्छा नहीं है तो पपड़ियाँ छूटने लगेगी, पिंपल्स दिखेंगे। तो यस, मेक श्योर कि आपका स्किन आप अच्छा रखो। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपके पास जो होनी चाहिए वो है एक मॉइस्चराइजर। यहाँ पे हमने लिया है बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर, एंड द बेस्ट थिंग इज इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये हमारा मॉइस्चराइजर, हमने अभी के लिए हम ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करेंगे टू गेट दैट फ्लॉलेस स्किन। तो यस, मॉइस्चराइजिंग योर स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो उसको बहुत देर तक टिकाव रखना बहुत जरूरी है, और एक अच्छा बेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आपके अगर पोर्स है, हमारी तरह पिंपल्स वगैरह अगर स्किन है, तो आपको एक अच्छा प्राइमर रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अभी हमने लिया हुआ है कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर, ठीक है। सो ये हमने लिया हुआ है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इस टाइप के ट्यूब में आता है और ये थोड़ा जेली टाइप दिखता है, लाइक दिस। सो यस, द सेकेंड थिंग एक वुड बी ब्राइड को रखना चाहिए इस अ प्राइमर, क्योंकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि बहुत सारे रसम वसम रहते हैं, आपको बैठ के मेकअप टचअप करने की जरूरत नहीं है। इनकेस आपके स्किन में पिगमेंटेशन है, लाइक हमारे थोड़े बहुत पिगमेंटेशन है, तो आपको एक करेक्टर या क्या कहते हैं उसे कंसीलर रखना बहुत ज़रूरी है, जिसे करेक्टर भी कहा जाता है, अपने स्किन टोन का मैच करता हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा है। सो अपने स्किन टोन का मैच करता हुआ करेक्टर रखना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज आई हैव दिस वन इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर या मल्टी यूज कंसीलर, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो यस, और हमने अपने स्किन से एक शेड डार्कर ही लिया है, क्योंकि हमारे स्किन में हमें वो व्हाइट व्हाइट नहीं चाहिए, गोरी बनने का शौक नहीं है, बट यू शुड लुक गुड। तो यस, कंसीलर होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स वगैरह दिया रहता है कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, अंडर योर आई, यहाँ पे नोज में एंड ऑल। तो यस, थर्ड इज कंसीलर। नाउ बात आती है अभी जिसे हर किसी को लगाना बहुत ज़रूरी है, इज द फाउंडेशन। तो यहाँ पे हमने लिया है फिटमी मैट पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली, क्योंकि हमारा सुपर ऑयली स्किन है, तो हमने ये वाला फाउंडेशन लिया है। नेक्स्ट इज अगेन फिटमी का ही मैट पोरलेस कॉम्पैक्ट। बेस्ट चीज़ की इसमें SPF 28 PA++ है एंड प्लस अप टू 12 आवर ऑयल कंट्रोलर, जो कि बेस्ट चीज़ है हमारे स्किन के लिए। दिस इज एन ऑसम कॉम्पैक्ट, दिस इज हाउ इट इज, फिटमी का है। सो यस, इसके साथ एक स्पॉन्ज है एंड दिस इज हाउ द कॉम्पैक्ट इज, हमारे स्किन टोन से मैच करता हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इज कि आपको अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ ही फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट दिखोगे तो आपका ये वाला पार्ट दिखेगा डार्क और ये वाला पार्ट दिखेगा बहुत ज़्यादा व्हाइट, तो आपकी मेकअप जो होती है वो नेचुरल नहीं दिखेगी। तो इसलिए अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ आप लीजिए। तो यहाँ पे हमारा शेड है 109 लाइट आइवरी। ओके, सो ये हो गया, मॉइस्चराइज कर लिया, प्राइम कर लिया, चेहरे को कंसील कर लिया, फाउंडेशन लगा लिया, कॉम्पैक्ट लगा लिया। अब बारी आती है आपके स्किन की, आपके स्किन को कॉन्टोर करने के लिए, थोड़ा लाली वाली लगाने के लिए, ब्लश लगाने के लिए, कॉन्टोर और हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है 3-in-1 शुगर का पैलेट है, ये है इन द शेड 01 सटल समिट, कॉन्टर डे फोर्स का है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड ये इसके साथ एक ऐसा कवर रहता है ताकि मिक्स ना हो। तो यहाँ पे 3 शेड है और ये तीनों बाइगॉड हमें बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो अब देख सकते हो हल्का हल्का शिमरी है, दिस इज द हाईलाइटर, दिस इज द ब्लश। ये शेड हमारे पास ऑलरेडी था बट एक साथ पैलेट में है तो काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड देन दिस इज द ब्रोंज जो हमें लगाना है, ब्रोंज टू कॉन्टोर योर फेस, हाईलाइटर आपके जो हाई पॉइंट्स हैं उसको शाइनी बनाने के लिए, एंड ब्लश आपके गाल को लाल लाल बनाने के लिए। द बेस्ट थिंग आप देख सकते हो इसमें कैमरा, आई एम सो सॉरी, इसमें मिरर है तो आप कहीं भी ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो और आराम से मेकअप कर सकते हो। सो यस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आई रियली लव इट। और अभी कुछ टाइम के लिए तो हम टेंशन फ्री हैं क्योंकि ये हमारा सारा 3-in-1 है, तो आई एम वेरी ग्लैड। नाउ अब बात आती है आई मेकअप की, तो हमारे पास दो पैलेट है, हमें ऑफर में मिल रहा था अमेजन में बाय वन गेट वन, तो हमें बहुत अच्छा डील मिला है बाय वन गेट वन में ये वाली। सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शेड इज वेलवेट रोज, रिवोल्यूशन मेकअप रिवोल्यूशन लंदन रिलोडेड वेलवेट रोज, ठीक है। इसके कलर्स आप देखिए पूरे ब्राइडल कलर्स हैं और हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, इसमें मैट भी है, शिमर वाले भी हैं, दिस ऑल आर शिमर एंड मैट भी है। तो हमें पार्टी वेयर मेकअप चाहिए हो चाहे डेली यूज़ के लिए, ये हमें बहुत अच्छा लुक देगा। प्लस इसके साथ में दूसरा जो पैलेट है, दिस इज़ रेवोल्यूशन रिलोडेड न्यूट्रल्स 2। सो इसमें न्यूट्रल्स कलर्स भी हैं ऑफकोर्स, एंड देखिए आप देख सकते हो कि दोनों में ही ब्राइडल कलर्स हैं, बट देन ये थोड़ा डार्कर शेड में ये वाला आ जाता है, प्लस शिमरी है, इसमें थोड़े कम शिमर है, थोड़े न्यूट्रल काइंड ऑफ है, तो ये मेरे डे मेकअप के लिए बहुत अच्छा काम आएगा दिस पैलेट। एंड दिस पैलेट, ये वाला पैलेट मेरे नाइट मेकअप के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। आप इसमें देख सकते हो ब्लैक कलर भी है इसमें, नहीं है यस, तो इसमें मैं आराम से स्मोकी आई लुक भी क्रिएट कर सकती हूँ, एंड दिस इज लाइट शेड्स, सो आई एम टोटली वेरी हैप्पी। और प्लस बहुत अच्छे डील में मुझे मिला था, तो वेरी हैप्पी विद दिस। तो यस, ये दो पैलेट है, अगर आप कुछ भी ब्राइड हैं या ब्राइड है पहले से और आपको इस टाइप के शेड्स पसंद है तो प्लीज चेक कर सकते हो ऑनलाइन, बहुत अच्छे डील में हमें तो मिले थे। तो यस, दिस इज डन। नाउ आई शेडो लगा लिया हमने, अब है बारी आई लाइनर की। यस, तो यहाँ पे हमारे पास में है कलोजल बोल्ड लाइनर। सो यस, हमने इसे खोला नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन है, घर में इतना मुझे मेकअप करना होता नहीं है, बट देन यस आई एम डेफिनेटली गोना यूज दिस आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये देखिए लास्ट अप टू 24 आवर्स, बोल्ड ब्लैक स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। अब ऐसा होता है कि अगर आपकी शादी हो जाती, नई नई दुल्हन आप हो, तो आप बार बार आप टचअप नहीं कर सकते हो, तो एक बार मेकअप करो एंड देन यू नीड टू फॉरगेट द मेकअप फॉर नेक्स्ट 5-6 आवर्स मिनिमम, या अगर ज़्यादा काम रहा तो 12 घंटा के लिए। तो इसलिए मोस्टली ट्राई करो कि स्मज प्रूफ और जो थोड़े ज़्यादा देर तक लास्ट कर सके वैसा वाला प्रोडक्ट यूज़ करो। तो यस, दिस इज़ द लाइनर। देन नेक्स्ट इज द कलोजल, ये तो अभी भी मैं यूज करती हूँ। सो दिस इज कलोजल मस्कारा। सो कलोजल मस्कारा वाटर प्रूफ है, 2x वॉल्यूम है, लास्ट अप टू 12 आवर। तो अगेन ये बड़ा मस्त है, हमारे लैशेस को क्या मस्त कर्ल करता है ये। सो यस, नेक्स्ट इज काजल, जिस जो एक लड़की की आंखों की खूबसूरती को बढ़ाती है। सो यस, दिस इज मेबलिन कलोजल काजल, अगेन दिस लास्ट फॉर 24 आवर्स, स्मज प्रूफ है, डीप ब्लैक, बट हमारा स्किन इतना ज़्यादा ऑयली है कि ये 5-6 आवर्स तक ही लास्ट कर सकता, बट स्टिल आई एम हैप्पी। ओके, सो फेस का मेकअप हो गया, आई मेकअप का सारा दिखा दिया हमने। यस, नाउ लिपस्टिक। तो इस लिपस्टिक के ऊपर हमने एक स्पेशली वीडियो बनाया है। सो दिस इज द लिपस्टिक आई हैव, शुगर का, नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक 28 हेलबेरी का इन द शेड 28। सो ये वाला शेड हमने अभी भी लगाया हुआ है, तो दिस इज हाउ इट लुक्स, ऑसम। नाउ ये दूसरा शेड है, वैसे अगर आप नई नई ब्राइड हो तो आपको 3-4 लिपस्टिक के शेड्स रखने चाहिए, बट अभी हमारे पास 2 है और आगे कलेक्शंस आ सकते हैं। तो यस, ये है मेबलिन न्यूयॉर्क का इंटेंस क्रेयन हाई कवरेज मैट फिनिश कलर शो इन द शेड इंटेंस रेड। इसका लिप्स ये वाला हमारे पास में पहले भी था, सो लेट मी शो यू द शेड। सो कंप्लीट रेड एंड आई टोटली लव इट। एंड दूसरा वाला शेड तो हमारे लिप्स पे है ही, आप देख सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास 2 शेड है और पुराने जो है वो है, ठीक
ठीक है. सो यस एंड देन आई हैव टू ब्रिंग दिस ऑल्सो हमारे कलेक्शंस में, क्योंकि अभी नई नई उडबी ब्राइड बनने वाले हो तो आप जितने भी मॉडर्न रहो आपको थोड़ा सा ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए. तो यस दिस आर बिंदी का पैकेट जो हमने रखा हुआ है. तो यस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कोम, कि आपको आपके बाल को संवार के रखना चाहिए. ऑलराइट, सो यस ये थे हमारे कलेक्शंस जो बेसिक एक वुड बी ब्राइड की कलेक्शन में होने चाहिए, जो हमारे कलेक्शन में है. मे बी मोर आ सकते हैं बट फॉर द टाइमिंग ये है जिससे हम थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले हैं. और यस इन सारे प्रोडक्ट यूज़ करके हम एक दिन आपको एक लुक क्रिएट करके ज़रूर दिखाएंगे. बट आज के लिए इतना ही. आई होप आपको आपने एंजॉय किया होगा कि हमारा नया मेकअप किट में क्या क्या है. सो यस, सो आई होप आपने वीडियो लाइक किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन उसे क्लिक कर देना. और अगर आपके पास भी ये सारे शेड्स हैं लिपस्टिक के, आई पैलेट के, या कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर वाले पैलेट, या कुछ भी चीज़ आपका कॉमन है, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कैसा है वो ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में नीचे. और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना. तो तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, तब जाके खुद खुश रहोगे तो दूसरों को खुश रख सकोगे. तो अभी के लिए हमारा यही फंडा है. तो खुद से प्यार करो, खुश रहो और दूसरों को भी प्यार करो. स्प्रेड पॉजिटिविटी एज मच एज यू कैन. So yes, so until my next video comes, love you guys, take care, bye.